हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, और ये आपकी क्लास 43 है। तो आज के टॉपिक हैं आपके मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, GOI ने लिया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू इन्होंने सोचा है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हम इम्प्रूव करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको वो सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएँ, इसके लिए मैं ये टॉपिक इंक्लूड कर रही हूँ। और जितने भी मैकेनिज्म हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे, काफ़ी सारे, ओके। एंड कुछ न्यू मैकेनिज्म भी होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारे मैकेनिज्म को डेवलप किया है, और बेसिक जो है इसका वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसकी मेंटोरिंग हो पाए और वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो सबसे पहले तो शगुन करके एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। शगुन का मतलब होता है, शगुन जो बना है ये बना है शाला एंड गुणवत्त से। तो शगुन के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको दी थी करेंट अफेयर्स में, तो वो वीडियो अगर आपने देखी हो तो शगुन को ऑलरेडी आपको पता होगा, शगुन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। तो शगुन बेसिकली टू पार्ट्स में है। पहला जो इसका पार्ट है वो रिपोजिटरी है, और उसमें आपके गुड प्रैक्टिसेस, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, स्टडीज़ एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह होंगी। और इसमें क्या होगा कि जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होगी उसके ऊपर, उसके बेसिस पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आपस में कम्पीट करेंगी, उनके अंदर एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब डेवलप होगी। तो इसमें क्या होगा कि इस पोर्टल में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज होंगी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूल्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस लॉन्च की हैं, उनको सबको वहाँ पे शोकेस किया जाएगा, ताकि और भी स्टेट्स उससे कुछ सीखें और अपने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपका वर्क है, मतलब ये बेसिक उसका आप कह सकते हो फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल है, जिसके थ्रू हम सारे स्टेट लेवल जितने भी आपके स्कूल्स होंगे उनके परफॉर्मेंस को एंड प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और मेजर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें रियल टाइम असेसमेंट की सुविधा होगी, उनको ईजिली पता चल पाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कि स्टेट्स एंड यूटी डिपार्टमेंट्स में क्या काम हो रहा है या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या काम चल रहा है। इसके अलावा इसके थ्रू डेटा कलेक्शन भी होगा, रिपोर्टिंग प्रोसेसेस भी बनाई जाएंगी, और जो भी रिजल्ट होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और एफिशिएंट सिस्टम होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम इसका ये होगा। इसके अलावा तो ये पहला हो गया आपका शगुन। नेक्स्ट आपका आता है ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम PMS बोलते हैं, ये भी बनाया गया है। इसके थ्रू ये मॉनिटर करेंगे कि क्या फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो रही है डिफरेंट जो भी आपकी जो भी एनुअल प्लान्स हैं उसके अंदर। तो समग्र शिक्षा के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो रही है, क्या फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है, और कितने इश्यूज आ रहे हैं सेंक्शंस में, जो भी उनको सब्सिडीज दी जा रही है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो उसका नाम है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके अलावा इन्होंने उस क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए या उसकी आप कह सकते हैं उस पर फोकस बनाने के लिए इन्होंने सेंट्रल रूल्स जो हैं RTE एक्ट के वो भी थोड़े से अमेंड किए हैं। 20 फरवरी 2017 से इसको अमेंड किया गया है, और उसमें क्लास वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम्स को जोड़ा गया है। बहुत जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू है, उनमें भी लर्निंग आउटकम्स को इन्हांस किया गया है। उसमें देखा गया है कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी अब वो जज किया जाएगा, क्लास वाइज भी जज किया जाएगा कि कितना उसका बेनिफिट मिल रहा है, क्या आउटकम आ रहा है पढ़ने का, चाहे वो आपके लैंग्वेजेस हों, चाहे वो बाकी सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो मैथ हो, चाहे एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो। तो सबको हम एग्जामिन करेंगे, सबको हम देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स इन सारे कोर्सेज का या इन सारे एजुकेशन जो भी हम प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स का, इसका क्या लर्निंग आउटकम्स हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सबको स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरेटरीज के वाइज पे ही चेक किया जाएगा, आपस में इन सबके स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि कहाँ पे लैंग्वेज का कहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो है वो बेटर है, और किस तरीके से जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बेटर नहीं है वो किस तरीके से आपस में कम्पीट कर सकते हैं। तो जो इनका एक आप कह सकते हो कि इनका जो मोटो है वो ये है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनका जो एजुकेशन लेवल हो वो इंक्रीज हो सके, और यूनिफाई करने का ऑब्जेक्टिव है कि सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज हैं वहाँ पे एक जैसी एजुकेशन मिल सके। ऐसा ना हो कि दिल्ली में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है
और हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल्स में कम अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो हर जगह पे यूनिफिकेशन हो पाए, यूनिफाइड वे में एजुकेशन मिल पाए, इसलिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा नेशनल अचीवमेंट सर्वेज भी कराए गए हैं, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज़ NCERT ने कराया है, और इसमें भी वो लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चिल्ड्रेन हैं क्लास 3rd के, 5th के, 8th के एंड 10th के, उनका लर्निंग अचीवमेंट वो देखेंगे। तो 2017 से ये कराया जा रहा है, और 2017 में 13th नवंबर को ये कराया गया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। 22 लाख स्टूडेंट्स को इन्होंने कवर किया था, 1.10 लाख स्कूल्स थे जो कि इन्होंने कवर किया था, एंड ऑलमोस्ट 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन्होंने कवर किए थे। तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ में इन्होंने वो टेस्ट लिया था, लैंग्वेजेस के फील्ड में लिया था, मैथ्स, EVS, साइंस एंड सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को इन्होंने उसमें मतलब उसमें कवर किया था। और जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स थे एंड गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उन दोनों ही तरीके के स्कूल्स में इन्होंने इस तरीके का सर्वे कराया था। तो इसका बेसिस क्या था, इसका आउटकम क्या था, वो ये था कि हमें ये टेस्ट करना था कि किस तरीके से, मतलब बेसिकली इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट लिए थे उसमें, और उस पर उन्होंने जज किया था कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, मतलब जो करेंटली आप स्कूल में पढ़ा रहे हो उसको बच्चे कितना समझ रहे हैं और उससे वो कितना सीख रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली सेंट्रल रूल भी इन्होंने बनाया RTE एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि इस तरीके के सर्वेज कंडक्ट किए जा सके और एजुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ किया जा सके। तो मल्टीपल टेस्ट बुकलेट्स भी स्टूडेंट को दी गई थी, और जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, और उन्होंने वो चीज़ सॉल्व की थी। उसके बाद इन्होंने सैम्पलिंग किया और उसका डेटा के बेसिस पे इन्होंने ये सर्वे पब्लिश किया। देन आपका अगर हम बात करें तो NAS की जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड है वो शेयर की गई है सारे स्टेट्स के साथ एंड UTs के साथ, और उनको बताया गया है कि किस तरीके से आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस तरीके से हम यूनिफाई कर सकते हैं सारे एजुकेशन सिस्टम को, और सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके अलावा मैंने आपको PISA के बारे में भी बताया था, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि PISA की हिस्ट्री क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया था, क्यों इन्होंने बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस की थी इंडियन स्टूडेंट्स ने, तो हमने इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। तो बेसिकली PISA भी इन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को कि हम PISA में भी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो बाकी कंट्रीज़ के लेवल से कम है और किस तरीके से हम उसको फर्दर बेटर कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी सोचा, मतलब इन्होंने ये भी किया है, ऐसा भी डिसाइड किया है कि वो स्टूडेंट्स को, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की हेल्प से ये एजुकेशन के अंदर, सॉरी स्टूडेंट्स के अंदर और ज़्यादा उनको प्रिपेयर करेंगे कि वो PISA में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो 2021 में इन्होंने पार्टिसिपेट करने को सोचा है PISA में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शाला सिद्धि के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि CBSE एंड NCERT का प्रोसेस का पार्ट है ये, और एक फ्रेमवर्क है जिसमें स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था शाला सिद्धि के बारे में, तो वो भी एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। उसके अलावा एक और फ्रेमवर्क है जो कि NCERT ने डेवलप किया है, जो कि आपका नाम है PINDICS। ये आपका जो मतलब आप कह सकते हो ये फ्रेमवर्क जो है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर है फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके और जो टीचर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का गैप ना रहे, जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बेटर वे में टीच कर पाएँ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए हैं RTE एक्ट में, जिसमें सेक्शन 23 टू सबसेक्शन 2 के थ्रू भी एक अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें इन्होंने जो अनट्रेन टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की भी बात करी है। 31 मार्च 2019 तक उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उनको हर तरीके के एड्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी जितने भी स्कूल्स हैं उनको, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हों, चाहे वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हों, या फिर प्योरली गवर्नमेंट स्कूल्स हों, वहाँ के टीचर्स को उनको ट्रेंड करने का इन्होंने सोचा है, जिसके थ्रू जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अगेन इम्प्रूव हो पाए। देन आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है दैट इज़ NIOS, उसने भी मतलब उन्होंने उनको बोला है कि ये आप ट्रेनिंग, जितना भी ट्रेनिंग होगा वो आपको कंडक्ट कराना है, और ये जो ट्रेनिंग होगा इसका जो मोड है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है। तो इट मींस कि जितने भी टीचर्स हैं वो अपने घर से, वो अपने स्कूल से इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
और इस ट्रेनिंग के थ्रू वो ट्रेंड हो सकते हैं कि किस तरीके से उनको स्टूडेंट्स को टीच करना है। इसके अलावा ऑनलाइन डीएलएड कोर्स भी इन्होंने स्टार्ट किया है 3 अक्टूबर 2017 से। तो जो टीचर जिनके पास डीएलएड का नहीं है डिग्री और वो टीच कर रहे हैं वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी तक 13 लाख टीचर्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी भी लॉन्च ने भी एक स्कीम लॉन्च की है जो कि इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको समग्र शिक्षा स्कीम भी बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने 3 जो ऑलरेडी स्कीम्स थी उनको आपस में कंबाइन किया है, जिसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है RMSA एंड SSA एंड टीचर एजुकेशन आता है। तो इन तीनों मॉड्यूल को आपस में कंबाइन करके इन्होंने एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई है और ये भी आपका स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2018 से। और उसके बाद से इस पर काफ़ी सारा काम हो रहा है और इसमें भी इन्होंने इस एजुकेशन लेवल को, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो या प्री स्कूल का लेवल का हो, दोनों ही एजुकेशन लेवल को इन्होंने बेटर बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन है, इन्हांसिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स है, ब्रिंगिंग सोशल एंड जेंडर गैप्स इन स्कूल एजुकेशन है, सॉरी ब्रिजिंग, तो इसको कम करना, मतलब जितने भी ऐसा होता है कभी कभी कि मेल ज़्यादा होते हैं स्कूल्स में एंड फीमेल्स कम होती हैं, तो उनको उस गैप को जज मतलब कम करना। या उसके अलावा सोशल गैप्स जो आपके हो गए कि अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं स्कूल, लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो इस तरीके की जो भी सोशल गैप्स हैं या जेंडर गैप्स हैं उनको कम करना, उनको ब्रिज करना। उसके अलावा उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटरमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड प्रॉपर जो भी टीचर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना स्कूल्स के, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने काम मतलब ये काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपकी इंटीग्रेटेड स्कीम है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय आविष्कार अभियान भी लॉन्च किया गया है और इस प्लान में बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 6 to 18 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट हैं और वो साइंस मैथ एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, इन्फ्रेंस ड्राइंग हो गया, मॉडल बिल्डिंग हो गया, इन सारे फील्ड्स में काम करेंगे। तो ये भी आपका मतलब एक इम्पॉर्टेंट है जो प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। उसके अलावा पढ़े भारत बढ़े भारत करके भी एक फाउंडेशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसको PBBB बोलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है। देन इसके अगेन इसके बाद आपका आता है ई पाठशाला। ई पाठशाला भी एक ऐसा इन्होंने रिपोजिटरी रिसोर्स बनाया है, वेब पोर्टल बनाया है जहाँ पे NCERT की सारी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होंगी, लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वीडियोस अवेलेबल होंगी, ऑडियोज अवेलेबल होंगे, पीरियोडिकल्स अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स कभी भी पढ़ सकते हैं। एंड देन आपका नेक्स्ट आता है MOOC एंड स्वयं। तो MOOC एंड स्वयं में हमने बहुत सारी ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं और हमने बहुत मतलब आई थिंक सबको ही पता होगा कि MOOC क्या है, स्वयं क्या है। तो ये अगेन इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं कि MOOCs इन्होंने लॉन्च किए हैं, स्वयं इन्होंने लॉन्च किया है, एंड इसके अलावा इन्होंने स्वयं प्रभा भी लॉन्च किया है जहाँ पर 24/7 एजुकेशनल TV है, जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए थे फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।